ये है हमारे सन ऑफ मल्हा मुकेश सहनी जी, जो हर धर्म में आस्था रखते हैं। सन 2003 से ये लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपनी व्यस्ततम जिंदगी में से समाज को भी समय देते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, क्योंकि ये निषाद समाज को अपना परिवार समझते हैं। यही कारण था कि निषाद समाज के कुछ बंधुओं ने समाज में जन जागृति लाने के उद्देश्य से माननीय मुकेश जी के समक्ष एक दिन एक प्रस्ताव रखा, जिस पर तुरंत ध्यान देते हुए मुकेश जी ने दरभंगा जिले के राज मैदान में 16 फरवरी 2014 को प्रमंडलीय निषाद सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें निषाद समाज लाखों की तादाद में जन सैलाब की तरह उमड़ आया। इसका प्रभाव ये हुआ कि निषाद समाज का समर्थन पाने के लिए कई राजनैतिक पार्टियां सामने आईं, परंतु मुकेश जी ने इनके सामने समर्थन देने के लिए 3 शर्तें रखकर उन्हें पूरा करने के लिए लिखित आश्वासन मांगा। ये शर्तें थीं: नंबर 1, निषाद समाज को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। नंबर 2, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। नंबर 3, निषाद समाज को जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में उचित भागीदारी दी जाए। इन शर्तों पर भाजपा द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने पर मुकेश जी ने उसे समर्थन देने का फैसला किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि संपूर्ण उत्तर बिहार में पार्टी को भारी जीत हासिल हुई। लेकिन फिर वही हुआ जैसा होता चला आया है, नेता वादे करते हैं और निभाते नहीं। इस बात से आहत मुकेश जी ने अपने मन में प्रण किया कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे और अपने बलबूते पर सारे निषाद समाज को संगठित करके अपने अधिकारों के लिए जागरूकता लाएंगे और हक दिलवा कर रहेंगे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए मुकेश जी ने निषाद रथ यात्रा का शुभारंभ किया, जो सतत 6 महीनों तक संपूर्ण बिहार में निरंतर जारी रहा। और इस दौरान पता चला कि बिहार में निषादों की जनसंख्या कुल आबादी की 14% है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रही है। और ये भी पता चला कि निषाद समाज को 40 से भी अधिक टाइटल से जाना जाता है, जैसे कि मल्ला, बिंद, नौनिया, बेलदार, चौधरी, मंडल, केवट, सहनी इत्यादि। इस रथ यात्रा के बाद पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक निषाद प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें निषाद समाज के नेताओं और बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं आप लोग से भीख मांगता हूँ कि आप लोग आपस में मतभेद को भुलाते, सारे आदमी एक साथ होते, जय निषाद राज के नाम से एक साथ होते। जितने भी जन लोग अपने जन में आप लोग के लिए काम करते रहूंगा। इसमें निषाद रथ यात्रा की सराहना करते हुए सभी ने एक मत होकर पटना के गांधी मैदान में निषाद समाज के संगठन की शक्ति के प्रदर्शन के लिए एक आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। गुजारिश करूंगा आपसे, 12 अप्रैल को गांधी मैदान में जो सम्मेलन होने के लिए जा रहा है, भव्य लेवल पे आए। मुकेश जी ने 12 अप्रैल 2015 को निषाद महाकुंभ महारैली का आयोजन किया, जिसमें दूर दराज से आए लाखों निषाद बंधुओं ने साबित कर दिखाया कि अब समाज को संगठित होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इतने बड़े इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सारे निषाद बंधु यहाँ अपने संसाधनों से आए थे। आने वाले समय में अगर उचित भागीदारी हमारे निषाद समाज को अगर नहीं देंगे, तो जिस तरीके से हमने आपको पैर जमाने के लिए दिया लोकसभा में, उसी तरीके से हम उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि सन ऑफ मल्हा को नेता नहीं बनना है, एमएलए नहीं बनना है, ना ही एमपी बनना है, बनाना है। निषाद बंधुओं में संगठन के प्रति ऐसी जागरूकता देखकर मुकेश जी ने इसे मिशन की तरह ले लिया और अगले कार्यों के बारे में विचार करने लगे। इसी बात से परेशान होकर बिहार की नीतीश सरकार ने निषाद समाज को बांटने और गुमराह करने के उद्देश्य से 30 मई सन 2015 को निषाद महारैला के आयोजन की घोषणा कर दी।
निषाद समाज को गुमराह करने की इस साजिश को नाकाम करने के लिए मुकेश जी ने भी 29 मई 2015 को औरंगाबाद और 30 मई 2015 को कटिहार में रैलियों के आयोजन की घोषणा करते हुए समाज के बंधुओं से अपील की कि वो निषाद महारैला जैसे भटकाने वाले आयोजनों का हिस्सा नहीं बने। इसका नतीजा ये हुआ कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी की रैली में लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। मुझे ना ही राज्यसभा जाना, ना लोकसभा जाना, ना विधानसभा जाना, मुझे अपने समाज को भेजना है। जबकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आयोजित रैली में 1000 से 800 लोग ही मौजूद थे। ये एक बड़ी जीत थी। मुकेश जी को लगने लगा कि जिस मिशन पर वो चल पड़े हैं वो अब कठिन नहीं है और समाज के बंधुओं को उन पर पूरा विश्वास है। इसी संदर्भ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जो भी पार्टी जो भी सरकार निषाद समाज को संपूर्ण अधिकारी हक और अधिकार जो देगा उस पार्टी के साथ हम लोग काम आने वाले समय में काम करेंगे। 25 जुलाई 2015 को मुजफ्फरपुर में भाजपा द्वारा परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मिलित होना था। इस रैली को चुनौती देते हुए मुकेश जी ने वहां निषाद हुंकार रैली का आयोजन किया और समाज के अपने ऊपर विश्वास को कायम रखने और अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मुकेश जी निकल पड़े निषाद समाज के बंधुओं से रूबरू मिलने और फिर उन्होंने सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली का दौरा किया। इसके बाद निषाद समाज के संगठन के प्रति एकता जगाने के उद्देश्य से विशाल बाइक रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों निषाद बंधुओं ने हिस्सा लिया। निषाद हुंकार रैली में लाखों की संख्या में उपस्थित होकर निषाद बंधुओं ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया जो निषाद समाज लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के साथ चला था, वो अब हुंकार रैली में मौजूद था। इस तरह निषाद बंधुओं ने साबित कर दिखाया कि निषाद समाज किसी पार्टी के साथ नहीं है जब तक उसे उसके अधिकार नहीं मिल जाते। आपका भीड़ नहीं है जो आप गाड़ी घोड़ा पैसा खाना सब दे के बुलाते हैं, ये वो भीड़ है अपने जेब से पैसे खर्चे करके अपने खाना लेके पानी तक भी अपने घर से लेके आते हैं। लोगों ने कहा मुकेश सहनी बॉम्बे से आया और आप जात का राजनीति करते हैं। मैंने जात का राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार को मैं देख रहा हूँ और आप लोग मेरे लिए जात हो। मेरे पास ये जितने भी लोग हैं ये मेरे परिवार हैं। इस तरह निषाद बंधुओं ने साबित कर दिखाया कि निषाद समाज किसी पार्टी के साथ नहीं है जब तक उसे उसके अधिकार नहीं मिल जाते। 18 अगस्त सन 2015 को सहरसा में भाजपा द्वारा दूसरी परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया जहां एक बार फिर इस रैली को चुनौती देते हुए मुकेश जी ने 17 अगस्त 2015 को सहरसा के स्टेडियम मैदान में निषाद अधिकार रैली का आयोजन किया जहां एक बार फिर लाखों की संख्या में उपस्थित होकर निषाद बंधुओं ने समाज की एकता और जागरूकता का परिचय दे दिया। ये सब करते हुए मुकेश जी का कहना है, ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक निषाद समाज को उसके अधिकार नहीं मिल जाते। मुकेश जी का कहना है, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है।